तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे गॉड लाइक नियो की न्यू टीम के रिलेटेड। एंड नॉट ओनली दैट, क्या वो टीम में हमको जी गॉड भी देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, BGS 2024 शुरू होने वाला है। एंड वो चीज ग्रेटेड लोल्स रिवील किए थे कि वो एक नई टीम बनाकर खेलेंगे। तो वो टीम में गाइस हमको नियो कन्फर्म देखने को मिलेंगे। एंड माइट बी पॉसिबल की जी गॉड भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब पूरे मैटर पर गाइस लोल्स रिएक्ट किए। आप देखिए टीम फाइनल क्या है बताओ। देखो अभी के लिए जो मेरे पास न्यूज है, ठीक है, मैं नियो कन्फर्म है। जेडी लगभग इन है, कीकी लगभग इन है, और फिफ्थ मेरे को भी नहीं पता। देखो कंफर्म नहीं पता, कंफर्म जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो आई गेस हम लास्ट मोमेंट पे ही बताएंगे कौन है कौन नहीं। क्योंकि गॉड लगभग मेन लाइनअप से खेलेगा, 99% मेन लाइनअप में रहेगा वो। जैसे फिफ्थ रहेगा या फिर प्लेइंग रहेगा वो नहीं पता, बट गॉड का मेरे को हाई चांसेस लग रहे हैं कि वो मेन पे खेलेगा। और गॉड आ गया हमारे में तो फिर मजा आएगा। दो अच्छे प्लेयर होंगे जिनको आइडिया है कॉम्पे का, तो मैं साथ साथ में मैच हो जाऊंगा। अगर वो नहीं हुआ तो भाई थोड़ा डेडिकेशन के साथ खेलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि BGIS आ रहा है। BGIS में थोड़ा बहुत उखाड़ना है यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ खेलने के लिए खेलूंगा, कुछ उखाड़ने के लिए खेलूंगा मैं, चाहे तबीयत खराब हो कुछ भी हो, बट वो जो मैचेस है 3 घंटा वो मैं खेलूंगा। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अब थ्रस्ट ईस्पोर्ट के week 1 के फाइनल्स के रिलेटेड। तो गाइस, इसके चैंपियंस बन गए हैं टीम सोल, जिनके थे टोटल 140 पॉइंट्स। हैशटैग 2 पर देखने को मिले हैं हाइड्रा ईस्पोर्ट, जिनके थे 114 पॉइंट्स। देन नेक्स्ट चार्ट के टीम्स भी आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर गॉड लाइक ने फिनिश किया हैशटैग 14 पर, टीम एक्सपार्क थी हैशटैग 15 पर, एंड कार्निवल गेमिंग थी हैशटैग 16 पोजीशन पर। सो यहाँ गाइस, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू टीम सोल फॉर दिस। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मवी की तरफ से। गाइस, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में बताई थी, जहाँ पर सैनोक के मैप पर हमको ग्लोबल ईस्पोर्ट एंड टीम सोल का ड्रॉप क्लैश देखने को मिलता है। एंड उन्हीं के आसपास उतरती है टीम एक्सपार्क। एंड काफी बार हमको ये भी देखने को मिला है ग्लोबल ईस्पोर्ट एंड टीम सोल में से जो टीम बचती है उसकी फाइट हो जाती है टीम एक्सपार्क के साथ में। तो ये सब ग्रेडेड गाइस मूवी आज कुछ रिएक्ट किए, आप देखिए। कि जो 4v4 फाइट होती है वो ठीक है, बट एक टीम है और वो अपना ड्रॉप छोड़ के हमारे पास आती जा रही है। क्या ये तब भी होगा जब हम मरेंगे? देखेंगे, कल जानबूझ के मरते हैं। हाँ। और देखते हैं। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है टीम एक्सपार्क एंड निंजा जोड के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जहां पर स्काउट ये कहे थे कि टीम एक्सपार्क में अभी निंजा जोड नहीं खेल रहे हैं, ही वाज प्लेइंग विद टीम जीरो, क्योंकि उनको स्काउट के साथ में खेलना था। एंड इसके बाद काफी सारे टीम एक्सपार्क के फैंस ये चीज नहीं चाहते थे। एंड गाइस, फाइनली इसके रिलेटेड एक गुड न्यूज है। स्काउट खुद ये रिवील करके बताया कि निंजा जोड हमको टीम एक्सपार्क में ही देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली व्हाट स्काउट सेड, आप देखिए। बहुत दिनों से सब लोग टेंशन में थे कि TX में चेंजेस क्या हो रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा घर में होता है यार चीज़ें कि फैमिली में झगड़े वगड़े होते रहते हैं, तो हमारा काम है बड़े होने के चलते, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम चीज़ों को सॉर्ट करें। सो यस, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, सब लोग जो थे वही रहने वाले हैं। एंड लेट्स कम्प्लीटली फोकस ऑन BGIS। एंड सारे फैंस जो लोग टेंशन में थे, आप लोग स्ट्रेस मत लो, DM में सबको प्यार दो और मोटिवेट करो अपने लोगों को। BGIS आ रहा है, पूरा फोकस वहां करते हैं। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है क्लच गॉड की तरफ से। तो गाइस, क्लच गॉड के पास एक चैलेंज है सभी BGMI प्लेयर्स के रिलेटेड, इंक्लूडिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स। एंड अगर तो आप वो चैलेंज पूरा करते हो, आपको एक प्राइज मनी भी मिलेगी। तो एग्जैक्टली इसके रिलेटेड क्लच गॉड ने क्या कहा, आप देखिए। गाइस, मेरे पास एक चैलेंज है सारे लोगों के लिए, ई स्पोर्ट्स और ऐसे जो भी नॉर्मल लोग है, कोई भी तुम लोग भी। तो मेरे पास चैलेंज ये है, इसमें 4700 पॉइंट्स के आगे या 4700 पॉइंट्स में रहकर तुम चिकन डिनर मारो, वो भी 30+ किल्स, तो मैं तुम्हें दूंगा 500 रुपये। सोलो स्क्वाड, जैसे मैं खेल रहा हूँ एक सोलो स्क्वाड, और वो तुम रावण को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो विद अपना जो भी है रैंक वगैरह सब कुछ। स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, वीडियो भेजना। ऐसा ई स्पोर्ट्स प्लेयर को भी है 4700 पॉइंट्स से ऊपर, क्या होता है एस मास्टर होता है ना पहला जो रहता है उसमें, एस मास्टर और अबव, और जिसने पहली बारी मार दिया चिकन सोलो स्क्वाड 30 किल्स प्लस, तो उसको फिर मैं कर दूंगा एस डोमिनेटर। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर हार्डस्कोप के रिलेटेड। तो गाइस, अभी रिसेंट टाइम में उन्होंने SA12 के अगेंस्ट काफी सारी वीडियोस बनाई थी, जिसके बाद उनको 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई थी। एंड ये चीज तो गाइस आपको पता ही होगी, अगर किसी के चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है वो चैनल टर्मिनेट हो जाता है। तो 2 स्ट्राइक्स आने के बावजूद भी हार्डस्कोप गाइस SA12 को ओपनली कॉल आउट कर रहे थे। एंड कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे कि हिम्मत है तो 3री स्ट्राइक्स भी मार के दिखाओ, फिर तुमको आटे दाल का भाव बताता हूँ। एंड अपनी लाइव स्ट्रीम पर गाइस
भाई सोलोमन की वीडियो को प्ले करके कुछ ऐसा भी बोल रहे थे कि तुम सबकी वीडियो चला रहा हूँ एंड थर्ड स्ट्राइक के लिए ललकार रहा हूँ। एंड इसके बाद गाइस सोलोमन ने उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। अभी के लिए तो उनका अकाउंट टर्मिनेशन होल्ड पर है। अगर तो काउंटर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होती है तो उनका चैनल गाइस टर्मिनेट हो जाएगा। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से। तो गाइस दो दिन पहले मेजी गॉड लाइक के रिलेटेड एक ट्वीट किए थे जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर वो कुछ ये लिखे थे। गॉड लाइक के कंटेंट क्रिएटर जो कि एंकी बोट है, उनकी एक्साइटमेंट एग्रेशन एंड पॉजिटिव माइंडसेट को देखते हुए मैं भी ये बोल सकता हूँ कि गॉड लाइक BGS 2024 जीतने वाले हैं। तो वो ट्वीट पर गाइस आज वापस से रीट्वीट करते हुए वो ये लिखे दिस इज हैपनिंग। और गाइस BGS के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है आईफ्लिक की तरफ से। तो गाइस लास्ट टाइम जब BGMI का कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर कुछ टीम्स पर एलिगेशन लगे थे कि क्या वो चीटिंग का यूज करके आए थे। तो वो चीज के रिलेटेड गाइस आज आईफ्लिक रिएक्ट किए क्या BGS 2024 में वो टीम्स को इनवाइट मिलेगा, आप देखिए। फिनाबी विल आल्सो बी इनवाइटेड, ग्रोइंग स्ट्रांग इज आल्सो देयर, TTE इज आल्सो देयर। देखो गाइस अभी मेरे को आइडिया नहीं कि भाई ग्रोइंग स्ट्रांग हो गया, TTE हो गया, सुनामी जिधर भी खेलेंगे वो अपना नाम चेंज करके, अपना टीम नेम चेंज करके, अपना इन गेम नेम चेंज करके खेलेगा, तो उसकी आइडिया नहीं है। बट आई एम डेफिनेटली विथ दिस यू नो इन्फॉर्मेशन दैट कि भाई इनको तो इनवाइट है, ये लोग खेल रहा है। अगर इनको इनवाइट दिया भी नहीं गया तो दूसरे लोग के पास अप्रोच करके इन लोगों ने इनवाइट दिया है, और कुछ कुछ जो टीयर वन प्लेयर्स है जिनको स्लॉट नहीं मिला है वो ये इनके साथ जुड़ के अपना यू नो स्लॉट लेके खेल रहा है। गाइस देखो इन द एंड सब लोग क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, सब लोग वही ट्राई कर रहा है कि भाई कि अपने को BGS खेलना है भाई, खत्म, मेरे को BGS खेलना है कैसे भी करके खेलना है। बिकॉज BGS जैसा अभी जो शुरुआत है वो मिस नहीं करना चाहिए, वो खेलना है, और उसी के लिए स्लॉट के लिए सब अपना यू नो एकदम ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है। सारे प्लेयर्स, सारे टीम्स तो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स भी ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग का गॉडबॉट से लेके सब लोग कोशिश कर रहा है गाइस, ठीक है। तो जितना मेरे को न्यूज़ आया है उतना रूमर में और ऑलमोस्ट फिक्स है कि भाई कि ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग इज देयर प्लेइंग। आई डोंट नो दे विल चेंज देयर नेम एंड दे विल चेंज देयर IGNs एंड प्ले और नॉट, बट दे आर देयर एंड प्ले, बट गॉडबॉट के साथ नहीं खेल रहा, इतना तो मेरे को फिक्स हो गया। उसकी जगह पे कोई अदर टीयर वन टीम टीयर वन प्लेयर लिया है जो जोड़ के खेल रहा है, ये वही। गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है UK07 राइडर एंड स्काउट के रिलेटेड। तो गाइस स्काउट एंड UK07 राइडर मिले थे एक अवार्ड में, जिसके रिलेटेड UK07 अपनी स्टोरी में ये लिखे 1v1 के मैच के लिए रेडी हो ना, जिस पर रिएक्ट करते हुए स्काउट ये लिखे डन सीन बनाते सीन। तो क्या इनका हमको एक मैच देखने को मिल सकता है? और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है फ्री फायर के रिलेटेड। अब गाइस वैसे तो फ्री फायर लास्ट ईयर अनबैन होने वाला था, सब कुछ प्रिपरेशन डन हो गई थी, बट फिर अचानक से हमको ये न्यूज सुनने को मिली थी कि अभी पोस्टपोन हो गया है। बट वो चीज के बाद से फ्री फायर के रिलेटेड कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है। ये चीज के रिलेटेड और Orangutan Heads प्लेयर्स रिएक्ट किए। थिंक द मीटिंग इज टुमारो गाइस, मेरे के साथ उनका कल मीटिंग है, सो हम लोग को पता चलेगा। सो एक्चुअली यू नो हम लोग भी वेट किए 1 ईयर 2 ईयर, बहुत ज्यादा टाइम वेट कर लिया, एंड अपना प्लेयर भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। मतलब देखो जैसे अभी BGMI बैन हुआ था वहां पे हम लोग अपडेट तो मिल रहा था, बट अभी फ्री फायर में हमको कुछ अपडेट भी नहीं मिला, आएगा गेम आएगा नहीं आएगा क्या होगा। सो वी विल हैव वन कॉल जब क्लैरिटी मिलेगा हमको क्या होने वाला है, इफ नॉट क्लैरिटी मे बी सम इनसाइट्स की क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। मे बी वी माइट keep the team or we might not keep the team। और गाइस नेक्स्ट एक काफी शॉकिंग अपडेट निकल कर आती है एलविश यादव के रिलेटेड। तो गाइस कुछ टाइम से एलविश यादव पर स्नेक वेनम का एक केस चल रहा था, जिसके बाद गाइस कल उनको अरेस्ट कर लिया गया है फॉर 14 डेज, एंड ये अरेस्ट किया है उनको उनके ऊपर चार्जेस रिलेटेड सप्लाई ऑफ स्नेक वेनम फॉर अ पार्टी। एंड ये चीज के रिलेटेड गाइस हमको पुलिस की तरफ से भी एक रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पर वो ये कहे कि कल एलविश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था एंड उसके बाद ये अरेस्ट हुआ है। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एलविश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। इसके बाद की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो कोर्ट में होगी। और गाइस नेक्स्ट एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आती है वुमेन्स प्रीमियर लीग के रिलेटेड। तो गाइस फाइनली इसके चैंपियंस बन गए हैं टीम RCB, एंड ये सभी RCB फैंस के रिलेटेड गाइस काफी बड़ी न्यूज है। स्नैक्स की तरफ से भी हमको एक रिएक्शन देखने को मिला था, पहले आप देखिए। जय RCB, जय शाह की स्क्रिप्ट है, इस साल 2 कप देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड, RCB लेट्स गो, जय RCB। एंड फिर विराट कोहली ने भी गाइज इसके रिलेटेड ये लिखा सुपर वुमन। इसके बाद गाइज एक वीडियो वायरल भी हो रही थी, जहाँ पर विराट कोहली ने एक वीडियो कॉल की थी पूरी टीम के साथ में, आप देखिए।
तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।